लोहरदगा जिले में छोटा नागपुर बॉक्साइड यूनियन इंटक के द्वारा राजेंद्र भवन कांग्रेस कार्यालय परिसर में वार्षिक अधिवेशन सह आम सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू और आईएएस अधिकारी दिलीप टोप्पो सहित कई नेता शामिल हुए, जिसमें पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू को निर्विरोध महासचिव चुना गया। राजेंद्र भवन से इंटक ने धीरज प्रसाद साहू की अगुवाई में रैली निकाली, जो शहरी क्षेत्र का भ्रमण करते हुए कचहरी रोड स्थित हिंडाल्को गेट तक पहुंची, जहां इंटक ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हिंडाल्को कंपनी के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया। मौके पर इंटक नेता सह पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले, जो कि सरकार की पॉलिसी भी है कि 75% स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए, और इसके लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा इंटक यूनियन तैयार है। किस तरह से कमजोरी है।